हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द रेड्स किचन। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बच्चों को भी बहुत टेस्टी लगेगी। और आज हम बनाएंगे तवे पर, और चिकन टिक्का को मैरिनेट कैसे करना है वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नई रेसिपी। तो ये मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ब्रेस्ट पीस लिया है। इसका एक बड़ा पीस जो है 200 के ग्राम आता है। इसको हम वॉश करके अच्छे से कट करेंगे। कट हम अपने साइज के अकॉर्डिंग, जैसे हम टिक्का बनाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। तो ये बड़ी आसानी से कट हो जाता है। ये देखिए, इस टाइप से हमने चिकन टिक्का कट करना है। तो अब ये कट हो चुका है। अब इसको एक बॉल में डाल देंगे और अब इस पे मसाले लगाएंगे। पहले हम इसमें डालेंगे हंकड़, 2 टेबलस्पून हंकड़ ऐड कर दिया मैंने, और साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। थोड़ा सा जीरा, सॉल्ट एज पर टेस्ट, रेड चिली पाउडर, पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और लास्ट में डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप्ड किया हुआ, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे ऑयल, आप मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। और इन सबको अच्छे से मैरिनेट करेंगे और इसको 2 से 3 घंटे तक रेस्ट करने रख देंगे। तो ये देखिए, मैरिनेट बहुत अच्छे से हो चुका है, इसके ऊपर डालेंगे स्क्वीज करके लेमन और इसको अगेन मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको रेस्ट करने रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, और ओवरनाइट भी रखते हैं, ओवर डे भी रख सकते हैं, जब आपका मन करे आप इसको निकालें और चिकन टिक्का बनाएं। चलो अब इसको रेस्ट करने रख देते हैं। तो 1 आवर के बाद हम चेक करते हैं, हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया से कोटेड हो गया है। तो अब हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें डालेंगे हल्का सा ऑलिव ऑयल, पूरे में स्प्रेड कर देंगे अच्छे से कोट, ताकि चिकन जो है चिपके नहीं। तो अब हम देखते हैं चिकन हमारा कितना कोटेड हो चुका है, ये देखिए। तो इस चिकन को हम ये इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से। हमारा चिकन बहुत अच्छे से कोटेड हो चुका है, तो इस पर हम ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, और फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसके ऊपर मैं ऑलिव ऑयल अप्लाई कर रही हूँ, आप इसकी जगह देसी घी या मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, जलता भी नहीं है इतनी जल्दी। तो मेरी कोशिश होती है जब मैं रोस्ट करती हूँ तो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ। अब हम इसको फ्लिप कर देंगे, तो देखेंगे नीचे से क्रिस्पी हो चुका है। तो ये जैसे गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसी तरह से सारा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसको पलटाएं। इसको ओवर कुक नहीं करना होता, बिकॉज ये ब्रेस्ट पीसेस हैं। ब्रेस्ट पीस में क्या होता है, वो हार्ड तो होते हैं, जितना उसको पकाएंगे और हार्ड हो जाएगा, और जितना उसको कम पकाएंगे, कम कुक करेंगे, उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो ये इसको हम बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा चिकन तैयार है। हम इसको ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे।
तो ये हमारा चिकन टिक्का रेडी है। आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करें और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रिट्स किचन। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।